ब्राह्मणों पर बीजेपी नेता प्रीतम लोधी द्वारा दिए गए बयान के बाद भाजपा प्रदेश संगठन ने उन्हें भोपाल तलब किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रीतम लोधी को बंगले पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई। बीडी शर्मा को प्रीतम लोधी ने लिखित में माफीनामा देकर अपना पक्ष रखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलने के बाद प्रीतम लोधी प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेसी उनका वीडियो एडिट करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूं, जब देवताओं ने ब्राह्मणों को पूजा है तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। मैंने आसाराम, राम रहीम, मिर्ची बाबा जैसे बाबाओं को लेकर बोला था। प्रीतम लोधी ने कहा, यदि मेरे वीडियो के बाद ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं। ब्राह्मण समाज जैसा कहेगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। मैं देश भर में ब्राह्मणों के पैरों पर सिर रखकर माफी मांगूंगा। भाजपा पार्टी मुझे नोटिस दिया गया, माननीय अध्यक्ष जी ने वो मुझे नोटिस मिला और मैं उस नोटिस का जवाब देने आया हूं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूं।